खेल मंत्रालय के कारण बताओ नोटिस की डेडलाइन निकलते हुए भारतीय ओलंपिक संघ को निलंबित कर दिया गया है। गौरतलब है कि खेल मंत्रालय ने भारतीय ओलंपिक संघ के दागियों सुरेश कलमाणी और अभय सिंह चौटाला को आजीवन अध्यक्ष बनाए जाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था और इसके लिए शुक्रवार 5 बजे तक जवाब देने के लिए कहा था। गौरतलब है कि चेन्नई में 27 दिसंबर को आयोजित हुए आईओए की एजीएम में कलमाणी और चौटाला को आजीवन अध्यक्ष बनाया गया था। उसी दिन खेल मंत्रालय ने इन दोनों को आजीवन अध्यक्ष बनाए जाने के लिए आईओए को कारण बताओ नोटिस दिया था। भारतीय खेल मंत्री विजय गोयल ने कहा कि जब तक दोनों दागियों कलमाणी और चौटाला को आधिकारिक रूप से इस पद से हटाया नहीं जाता तब तक आईओए निलंबित रहेगा। हालांकि कलमाणी आईओए के इस ऑफर को स्वीकार करने से पहले ही इनकार कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि जब तक वह बेदाग साबित नहीं होते तब तक ये पद स्वीकार नहीं करेंगे। इस बीच आईओए के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट नरेंद्र बत्रा ने कलमाणी और चौटाला को आजीवन अध्यक्ष बनाए जाने का निर्णय वापस नहीं लिए जाने के विरोध में इस्तीफा दे दिया। हाल में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष चुने गए बत्रा ने कलमाणी और चौटाला को पिछले दरवाजे से आईओए में लाने का कड़ा विरोध किया। बत्रा ने अपना इस्तीफा आईओए के अध्यक्ष एन रामचंद्रन और महासचिव राजीव मेहता को भेजा। बत्रा ने कहा कि मैंने कई लोगों से इस बारे में बात की कि क्या एजीएम से 7 दिन पहले किसी को कलमाणी और चौटाला को आजीवन अध्यक्ष बनाए जाने के बारे में जानकारी थी, तो सभी ने इससे इनकार किया। मैं आईओए के इस निर्णय का समर्थन नहीं करता, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया है। आपको बता दें कि हाल ही में आईओए ने भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे सुरेश कलमाणी और अभय चौटाला को आजीवन सदस्य बनाया था। एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट।